कोई नहीं कहेगा मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सेंडे व देवसर SDOP LD सिंह के मार्गदर्शन में SDOP एवं जियावन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय द्वारा समाज में अपराध की दर को कमी लाने के लिए, साथ ही लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराने एवं अपराधियों पर शिकंजा कसकर समाज को भयमुक्त कर जनता की शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से मंगलवार को जियावन थाना परिसर में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित करीब 50 लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। आवेदनों पर सुनवाई की गई। जियावन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय ने समस्या के निदान के लिए एक तरीका खोजा है। TI श्री उपाध्याय ने बताया कि आमतौर पर लोग अपनी शिकायत पर कार्रवाई को लेकर परेशान होते रहते हैं, इसलिए पहला प्रयास किया गया है जिसमें दर्जनों शिकायतें आवेदन करने वालों को नोटिस देकर बुलाया गया, साथ ही जिस पक्ष की शिकायत थी उसको भी बुलाया गया। दोनों पक्षों को सुना जा रहा है एवं जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। TI श्री उपाध्याय ने बताया कि 6 स्थानीय शिकायत, 5 वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतें, 2 CM हेल्पलाइन, 1 शिकायत, इन सभी शिकायतों की जनसुनवाई के दौरान त्वरित निराकरण किया गया है। जनसुनवाई शिविर में पहुंचे हुए लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण होने से प्रसन्नता जताई है। इस प्रयास की यदि सही प्रतिक्रिया होती है तो इसे आगे भी लागू किया जाएगा और सप्ताह या पखवाड़े में इसकी एक दिन तय करके शिकायतें सुनी जाएंगी। उक्त जनसुनवाई में देवसर SDOP LD सिंह, प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय, उप निरीक्षक सरनाम सिंह आशीष, आरक्षक संतोष रामकृष्ण, संतोष सिंह सहित जियावन पुलिस टीम की महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।